हमारी स्किन अगर नॉर्मल है तो हमें पता कैसे होगा कि हमारी स्किन नॉर्मल है, अगर ड्राई है, ऑयली है, जो कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको चेक कैसे करें कि ऑयली स्किन चेक कैसे करते हैं, वो सारे मेथड और सारी टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज प्लीज जिसको मेरी वीडियो अच्छा लगे लास्ट वाला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फ्यूचर में आपको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने की सारी टेक्निक सिखाने वाली हूँ। हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगी और पूरी स्किन की नॉलेज और मेकअप की डीप थॉरली नॉलेज और प्रैक्टिकल आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है स्किन टाइप का एनालाइज कैसे करना है और इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसको पैच टेस्ट कैसे लेना होता है क्लाइंट के ऊपर, बिफोर स्टार्ट द मेकअप उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। में अपने डिस्कस किया था कि हमारे स्किन टाइप 5 होते हैं, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड वेरी सेंसिटिव स्किन। उसमें हमने डिटेल चेक करी थी कि हमारी नॉर्मल स्किन रेगुलर स्किन होती है, हाइड्रेटेड स्किन होती है, ड्राई स्किन थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड होती है, ऑयली स्किन हमारी शाइनी और ग्रीजी लगती है, कॉम्बिनेशन स्किन हमारी ऑयली, नॉर्मल और ड्राई का मिक्स होती है, और जो सेंसिटिव स्किन होती है वो हमारी स्किन का बिहेवियर है कि वो रिएक्ट कैसे करती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसे हमें पता चलता है कि वो सेंसिटिव स्किन है। अब ये तो हमारे हो गए हमारे स्किन टाइप्स, अब हम इसकी को चेक कैसे करना है, किसी की नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है ना, कोई अपने आप नहीं बता रहा, हर किसी को आदत नहीं होती चेक करने की, सबको ये लगता रहता है कि जिनकी स्किन ऑयली है उनको यही लगता रहता है कि हमारी ऑयली है, जिनकी ड्राई है उनको लगता है कि हमारी पूरी स्किन ड्राई ही है ना, या किसी किसी को ये लगता रहता है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लगाती हूँ तो वो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, तो मेरी स्किन सेंसिटिव है, जरूरी नहीं है, आपको चेक करना आना चाहिए किसकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है, ड्राई है या नहीं है, या नॉर्मल है या नहीं है, सबसे पहले हम उस अपनी स्किन पे चेक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको स्किन चेक कर रहे हैं स्किन टाइप है क्या हमारा, आपको मॉर्निंग में सबसे पहले जब उठते हो आप फेस वॉश करते हो, नॉर्मल किसी भी फेस वॉश से आप वॉश करते हो, विच इज सुटेबल टू योर स्किन टाइप, रेगुलर रूटीन में जब आप अपनी स्किन केयर करते हो नॉर्मल फेस वॉश करते हो, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करके देखना है, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए अपने फेस को ड्राई कर लिया टिश्यू पेपर के साथ और 5-10 मिनट वेट कर लीजिए। 5-10 मिनट वेट करने के बाद आपकी जो स्किन का एक्चुअल जो नेचुरल ऑयल है सीरम है स्किन का वो स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है, स्किन नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। उस दिन आपको 15 मिनट के बाद पता चल जाएगा, आप टिश्यू पेपर अपने फेस पे ऐसे डैप डैप कीजिए, अगर आपके टिश्यू पेपर बिल्कुल क्लीन है उसके ऊपर कुछ रेजिड्यू नहीं है किसी भी चीज का, ना ऑयल का है ना ड्राइनेस का है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। थोड़ा सा माइक करके देखिए फेस वॉश करने के 10-15 मिनट स्माइल करके देखिए, अगर आपकी स्किन खिंची खिंची लग रही है ये वाली लाइन से जो लाइन से, तो आपकी स्किन ड्राई है, और अगर टिश्यू पेपर डैप करने के बाद आपकी टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा शाइन आ गया, ग्रीज आ गई है, ऑयल आ गया, तो आपकी स्किन ऑयली है, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितने एरिया पे ऑयली है, अगर यहाँ पे टिश्यू रखने से ऑयल आ रहा है लेकिन यहाँ पे रखने से ऑयल नहीं आ रहा, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, इट मीन सिर्फ इतने ही एरिया पे ऑयल है बाकी एरिया पे ऑयल नहीं है, सो दिस वी विल कंसीडर एज अ ऑयली एंड दिस एरिया वी विल कंसीडर एज अ ड्राई, सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज जस्ट अ कंडीशन, इट इज नॉट अ स्किन टाइप। सेंसिटिव तब आपको पता चलेगा जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो और रिएक्ट करती है, या इस सिनेरियो में आप अपने क्लाइंट से पहले ही पूछ लीजिए कि आपको हर तरह का प्रोडक्ट सूट करता है या नहीं करता है, या फिर किसी भी क्लाइंट के ऊपर कोई भी काम करने से पहले छोटा सा पैच टेस्ट कर लीजिए, उनके बिहाइंड द ईयर कोई क्रीम या प्रोडक्ट लगा कि जो आपको यूज करना है उनके ऊपर या फिर उनके एल्बो पे, क्योंकि दीज आर दी वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ आवर बॉडी, तो इससे अगर हम प्रोडक्ट लगाते हैं एक मिनट के लिए छोड़ते हैं, अगर स्किन पे कोई रैशेस नहीं हुई है या इस एरिया पे कोई रैशेस नहीं हुई है, रेडनेस नहीं है, दाने नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्किन इज नॉर्मल, देन इट इज जस्टिफाइड कि क्लाइंट स्किन इज नॉट प्रोन टू रिएक्ट, ठीक है, तो उसकी स्किन पे रिएक्ट नहीं होगा, तो वो हमारी होती है सेंसिटिव स्किन। अब ये मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आपको स्किन कैसे चेक करनी है कि नॉर्मल है कि ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव स्किन है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे फेस के कौन कौन से एरिया ऑयली होते हैं, कौन कौन से ड्राई होते हैं और उनको क्या कहते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे फेस का कौन
कौन सा एरिया क्या कहलाता है। ये हमारा फेस है, जो हमारा ये फोरहेड है और नोज का एरिया, द शेप इज लुक्स लाइक टी, सो दिस इज कॉल्ड टी जोन। जो हमारे टेम्पल से लेके चीक तक आता है एरिया, दिस लुक्स लाइक सी, सो दिस इज दी सी जोन। हमारा जो अंडर द लिप चिन एरिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लुक्स लाइक यू, तो ये यू जोन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी ये एरिया प्रोमिनेंट है, जहां से हमें पता चल जाता है कि स्किन की कंडीशन क्या है, कौन सा टाइप है। अगर हमारा फोरहेड ऑयली रहता है नोज तक, बाकी एरिया ड्राई रहते हैं, तो हमारा टी जोन ऑयली है, बाकी स्किन नॉर्मल है। कभी हमारी सी जोन ऑयली रहती है और बाकी एरिया नॉर्मल है, तो सी जोन ऑयली कहलाएगी, बाकी एरिया नॉर्मल कहलाएगा। अगर यू जोन पे कंसर्न है, ड्राई है, नॉर्मल है, एक्ने पुराना, तो यू जोन हमारी ऑयली कहलाएगी और बाकी एरिया हमारा नॉर्मल है। कभी कभी ऑयली स्किन इतनी ज्यादा होती है कि टी जोन, सी जोन, यू जोन तीनों ही एरिया शाइन कर रहे होते हैं, ग्रीजी लगते हैं और एक्ने प्रोन होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी पूरी स्किन ही ऑयली है, क्योंकि पूरी स्किन पे कहीं ड्राइनेस है नहीं, पूरी स्किन पे ही ऑयल है, ग्रीजीनेस है, एक्ने प्रोन है, तो पूरी स्किन ही हमारी ऑयली कहलाएगी। अदरवाइज यूजली टी जोन हमारी ऑयली होती है और बाकी एरिया हमारे ड्राई होते हैं। तो आज के लिए हमारी थ्योरी इतनी ही। आज हमने देखा है कि हमारे स्किन टाइप कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको चेक करना है, चेक करने का मेथड क्या है, और हमारी टी जोन, सी जोन और यू जोन क्या होती है। अगली क्लास में हम देखेंगे स्किन को प्रेप कैसे करना है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं स्किन को प्रेप करने के और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और देयर इज अ बेल बटन, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो आपको हर बार नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मेरे चैनल पे मैंने वीडियो कब अपलोड किया है। यूजली मैं अपने चैनल पे वीडियो हर वेडनेसडे और सैटरडे मॉर्निंग 11 o'clock अपलोड किया करूंगी। इसके अलावा फिर भी आप बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कोई भी थ्योरी का एक भी क्लास स्किप ना करो, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास स्किप कर दोगे तो आपका जो नॉलेज है थोड़ा कम हो जाएगा, आप पूरा उसको ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। हमें थ्योरी इतनी परफेक्ट करनी होती है कि ताकि हम जो ट्यूटोरियल करते हैं बाद में, हम जो मेकअप की टेक्निक सीखनी होती है, मेकअप तैयार करनी होती है, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो अगर हम थ्योरी नहीं पूरी आती होगी, आधी अधूरी आती होगी, आपने स्किन टाइप को सीख लिया लेकिन सपोज आपने स्किन प्रेप करना नहीं सीखा तो फिर क्या फायदा। स्किन टाइप तो हमें देख के पता लगा दिया क्या है, लेकिन उसको प्रेप करना ही नहीं आया क्योंकि हमने थ्योरी नहीं देखी, तो फिर प्रैक्टिकल करने में आपको मुश्किल होगी। तो सारे क्लासेस जितनी भी मैं अपलोड करती जाऊंगी आपको सारी देखनी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, आप एक अच्छे परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बन पाओगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, प्लीज 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 शो योर लव, मेरे को इतनी सपोर्ट कीजिए और अपना लव भेजते रहिएगा। कोई भी चीज आपको सीखनी हो, अच्छी लगी हो, ना लगी हो, कोई भी सजेशन हो आपका, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसको रीड आउट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको जस्टिफाई कर सकूं, आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन 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 वेट वेट वेट, अभी हमारी बारी आती है मेकअप के टिप्स की, चलिए देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ टिप ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा टिप ऑफ द डे क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्लींजिंग के बारे में कि क्लींजिंग कैसे करनी चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ कि टोनर कब यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि टोनर यूज करें तो किस स्किन के हिसाब से कौन सा टोनर यूज करें, अगर जरूरी है तो कौन सा प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कि आपकी नॉर्मल स्किन है, क्लियर है, क्लीन है, हाइड्रेटेड है, तो आप नॉर्मल रोज वाटर या रेगुलर टोनर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन में थोड़ा बहुत भी कंसर्न एरिया है, ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप ऐसा टोनर यूज कीजिए जो आपके ऑयल को कंट्रोल कर सके। अगर आपके पोर्स ओपन है, ज्यादा बड़े पोर्स हैं आपकी स्किन पे, यूजली फेस वॉश करने के बाद हमारे पोर्स ओपन हो ही जाते हैं, तो बेस्ट आइडिया ये है कि पोर मिनिमाइजिंग टोनर मार्केट में आते हैं, आप हमेशा पोर मिनिमाइजिंग टोनर ही खरीदें, क्योंकि हमें वैसे भी मेकअप करने से पहले हमारे पोर्स को क्लोज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, तो वो आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है, पोर्स को भी मिनिमाइज करता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो बेस्ट टोनर आप पोर मिनिमाइजिंग टोनर ले सकते हो। ये था आपका टिप ऑफ द डे।